वैक्सीन से काम न कैसे वसूला जा चंदा, वैक्सीन कंपनी से सारी भीड़ की कंपनियां भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों के पास है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नौटंकी कर रहे हैं, ये बराबर आ रहे हैं साथियों। वैक्सीन से काम न कैसे वसूला जा चंदा, वैक्सीन कंपनी से। और जो ये योगी जी का रोज भाषण आ रहा है, हम गौ हत्या बंद करेंगे, जो भी बंद कर रहे हो, सारी भीड़ की कंपनियां भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों के पास है। और तुमने 250 करोड़ रुपया लिया उससे। मैं पत्रकार साथी आया बलिया से, मैं कहूंगा इसको छापो। योगी जी अगर तुम्हारे अंदर पुरुषार्थ है, योगी जी अगर तुम्हारे अंदर पुरुषार्थ है और तुम असली साधु हो, बीज कंपनियों को तत्काल बंद करके उस पर कार्रवाई करो और उनका नाम घोषित करो। मैं चैलेंज देना चाहता हूँ कि जितनी बीज कंपनी है जो गाय का कारोबार करती है वो सब आरएसएस के लोग है और भाजपा के लोग, एक भी मुसलमान नहीं है। केवल बीज कंपनी का नाम अल अकबर, अल जिहाद और फलाना ये नाम रख करके ब्रेक में किया जा रहा है। कोई सक्सेना का है तो कोई उसका अडानी का है तो कोई किसी के बोलते हो, भ्रम फैलाते हो समाज में, नौटंकी करते हो। ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नौटंकी कर रहे, ये भ्रम फैला रहे हैं साथियों, इनके माया जाल में नहीं घुसना। इसलिए आज केवल हमला एक समुदाय विशेष पर किया जा रहा है, केवल इसलिए कि हम औरतों का पोलराइजेशन कर रहे। हम कैसे औरतों का पोलराइजेशन करें, सेंटिमेंट के चुनाव को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा क्या खत्म हो गया और सारे मुद्दे खत्म हो गए, गाय गोबर के मुद्दे खत्म हो गए। अब कैसे पोलराइजेशन हो, ये रोज नई नौटंकी देश का बादशाह कर रहा है और उत्तर प्रदेश का शहंशाह कर रहा है। जो पुरुषार्थ है बीज कंपनियों के मालिक का नाम योगी जी घोषित करे और उस पर प्रतिबंध लगाए, आज की मीटिंग में मांग कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा था उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।